जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं अपनी दैनिक पूजा का जो रूटीन है, जो दिनचर्या है पूजा की, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा मंदिर है, मैंने मंदिर की सफाई कर दी है। साफ कपड़ा लाल रंग का नीचे भगवान जी के लिए मखमली बिछा दिया है। अब मैं अपने सभी भगवान जी को स्नान करवा कर उनको यथावत स्थान पर विराजित करूंगी। ये मैंने माँ लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी और गणेश भगवान जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया है। आप सभी ने अगर हमारे इस चैनल को देखा है तो यहाँ पर सभी तरह की पूजा पाठ और व्रत उपास की वीडियो मैं शेयर करती हूँ। यदि आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे भी जुड़े रहिए। देखिए, अब मैंने भगवान जी को विराजित किया है। अब मैं एक एक करके सभी भगवान जी को स्नान करवाऊंगी और उनको यथावत स्थान पर बिठाऊंगी। हमारा ये छोटा सा मंदिर है, इसमें जितने भी भगवान जी हैं उनकी मैं नियमित रूप से पूजा, सेवा पूजा करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी और ये छोटे लड्डू गोपाल जी, इन दोनों को भी मैं, इनकी देखिए कितनी सुंदर इनकी पोशाक है, इन दोनों को भी मैं स्नान करवा कर ये पोशाक पहनाऊंगी। आज पूर्णिमा है, होली का उत्सव। आज होली जलाई जाती है, वह दिन है। तो आज मैं अपने सभी भगवान जी को अच्छे से स्नान करवा कर उन्हें बहुत अच्छी सुंदर सुंदर पोशाक पहनाऊंगी और उन्हें हम तैयार करेंगे। ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी, इनकी पोशाक है। इनको भी मैं यहाँ पर विराजित करूंगी। हमारे पास हमारे मंदिर में भगवान जी की, राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है, इनको भी मैंने स्नान करवा के इनकी नई पोशाक इनको पहनाई है। देखिए भगवान जी की कितनी सुंदर पोशाक। ये हमारे राधा रानी, इनको भी मैं यहाँ पर विराजित करूंगी इस तरफ। यहाँ ये हमारे कृष्ण भगवान जी का दुपट्टा, ये हमारे लड्डू गोपाल जी का मुकुट है, ये भी उनको मैं पहनाऊंगी। ये उनकी माला, ये हमारे छोटे वाले जो लड्डू गोपाल जी है, देखिए उनकी कितनी सुंदर ये माला है, मुकुट है, ये भी उनको पहनाऊंगी। उसके बाद भगवान जी के जो बर्तन हैं दीपक वगैरह लगाने के, उन सबको मैंने पहले ही साफ करके रख दिया है। अब मैं बाकी सब भगवान जी को भी स्नान करवा के उनको अपनी जगह पर बिठाऊंगी। हमारे भोलेनाथ जी, शिवलिंग, जहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की युगल जोड़ी है, यहीं पर
ये इनकी जलाधारी है, इनको भी मैंने अच्छे से साफ करके रखा है। ये हमारे लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती माता जी, इनकी मूर्ति। मैंने सभी भगवान जी को स्नान करवा के यहीं पर उनको पास में ही बिठा लिया है। उनको लेके मैं सबको मंदिर में सबको विराजित करूंगी। जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान जी की, वो सभी मंदिर में विराजित करते हैं। ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति है माँ लक्ष्मी जी के साथ। ये त्रिशूल। इसी प्रकार देखिए, हमारे बिल्कुल थोड़े से ही भगवान जी हैं, इनकी हम इसी तरीके से नियमित उनकी सेवा पूजा करते हैं। ये माँ लक्ष्मी जी का कछुआ है, इस कछुए में जल भर कर रखते हैं। अब मैं सबसे पहले भगवान जी का दीपक जलाऊंगी, उसके बाद में अपने भगवान जी की पूजा प्रारंभ करूंगी। ये गरुड़ जी है, भगवान जी के यहाँ पर साफ सफाई करना, उनको स्नान करवाना और उनको विराजित करना, ये सब पहले करने के बाद जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हमें मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक के नीचे, दीपक को आसन देने के लिए हम ये चावल रखेंगे, उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। अब उसके बाद हम ये अष्टगंध है, ये लेकर चंदन जिसे कहा जाता है, ये लेकर हम एक तांबे की कटोरी में चंदन लेंगे और उसमें जल मिलाकर सभी भगवान जी को तिलक करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा, पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नारायण वासुदेवा। ये देखिए, सभी भगवान जी को तिलक करने के बाद मैं जो भी माता जी है सभी को मैं कुमकुम का तिलक करूंगी। इस डिब्बे में कुमकुम रख कर मैं जो भी माता जी हैं सभी को कुमकुम का तिलक करूंगी। ये पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये लक्ष्मी मैया, ये भी सरस्वती मैया, संतोषी माता, राधा रानी, सभी को मैं कुमकुम का तिलक करूं। उसके बाद जो हमारे आंगन में जो फूल होते हैं, ये देखिए, ये चमेली के सफ़ेद कलर के कितने सुंदर फूल हैं, जो ये भगवान जी को और ये गुड़हल का फूल लक्ष्मी मैया को अर्पण करूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब उसके पश्चात जो भगवान जी को स्नान करवाने का जो जल होता है, यह हम किसी भी घर के अन्य पौधे में इसको डाल देते हैं। तुलसी माता में कभी भी भगवान जी को स्नान किया हुआ जल हमें नहीं डालना चाहिए। इसे मैं अलग रख दूंगी। ये गीता जी है, छोटी सी गीता जी श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पर रखी मैंने। ये श्री कृष्ण भगवान की छोटी सी बांसुरी। ये जल का पात्र जो कि हमेशा अपने मंदिर में स्वच्छ जल का पात्र जिसमें गंगा जल मिला हुआ हो इसमें हमें रखना चाहिए। मंदिर में कभी भी बिना जल के मंदिर नहीं रखना चाहिए। मंदिर में हमेशा एक जल का भरा हुआ पात्र रखना चाहिए। अब मैं अपने भगवान जी को भोग लगाऊंगी, जिसमें पंचमेवा फल और दूध, इसका मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तीन बार जल छोड़कर भगवान जी को भोग लगाया जाता है। हाथ जोड़कर विनती की जाती है, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। उसके बाद मैं आरती का दीपक अलग से जलाती हूँ, जिससे हम भगवान जी की आरती करें। आरती के दीपक के साथ ही मैं दो दीपक और भी प्रज्वलित करती हूँ। यह दीपक हमारे घर के मंदिर, ये जो मंदिर है यहाँ पे हमारे कुल देवता का स्थान भी पास में ही है। ये यहाँ पे ये सभी भगवान जी का मंदिर है और यहाँ पे जो छोटा मंदिर आपको दिख रहा है ये हमारे कुल देवता का स्थान है। यहाँ पर भी हम दीपक लगाते हैं और एक और दीपक हमारे पितृ देवता के लिए, जो भी हमारे घर के पूर्वज हैं, पितृदेव हैं, उनके लिए एक दीपक। यह जो घर में पानी का मटका होता है, मिट्टी का या पानी का जो भी स्थान हमारे घर पर होता है किचन में, वहीं पर यह पानी के मटके के पास में यह दीपक वहाँ पर हमें लगाना चाहिए और ये हमारे कुल देवता का दीपक है। भगवान जी की आरती करती हूँ। दीपक को भी मैं चंदन लगाऊंगी। हमेशा पूजा करते समय दीपक की पूजा जरूर करनी चाहिए। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में बलिहारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब मैं कपूर से आरती करूंगी। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयाल विंदे, भवम भवामि स्वहितम नमामि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज,
मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आरती को ठंडा किया जाता है, 3 बार जल छोड़ें, उसके पश्चात भगवान जी को आरती देना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्राहि माम त्राहि माम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। महालक्ष्मी महारानी की जय। सभी भगवान जी के जयकारे लगाते हुए हमारी आरती संपन्न हुई। आज की हमारी पूजा इसी तरह संपन्न होती है। जो पूजा का जल होता है वह पूरे घर में छिड़काव किया जाता है और जो आरती है वह भी पूरे घर में घुमाई जाती है। ये देखिए हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। नियमित इसी तरीके से रोज पूजा चाहे 5 या 10 मिनट ही करें, मन को बड़ा ही सुकून देती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पूजा पाठ से जुड़ी हुई सभी वीडियो आपको हमारी चैनल पर मिलेगी। साथ ही अगर आप मेरी इसी चैनल पर 2 तरह की प्लेलिस्ट होती है, एक होती है पूजा पाठ से जुड़ी हुई और दूसरी होती है सिलाई से जुड़ी हुई। अगर आप में से कुछ ऐसे व्यूवर जो सिलाई में इंटरेस्टेड हो या छोटी मोटी घर में सिलाई करना चाहते हैं तो वह स्टिचिंग की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। बने रहिए हमारे इस चैनल पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्णा।